मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का विवाद भी अब राम जन्मभूमि और काशी की ज्ञानवापी की तरह चर्चित होता जा रहा है। इस विवाद को लेकर अब तक न्यायालय में करीब एक दर्जन वाद अलग अलग पत्रकारों द्वारा दिए जा चुके हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि के प्रकरण में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा एक और वाद दाखिल किया गया है। अपने वाद में महेंद्र प्रताप सिंह ने दावा किया है कि औरंगजेब ने 1669 में मथुरा के केशव देव मंदिर को ध्वस्त किया था और 1670 में यहां से विग्रहों को उखाड़कर आगरा लाल किले में ले गया और वहां उन्होंने जहां आरा बेगम की मस्जिद की सीढ़ियों में उन विग्रह को लगा दिया। उसी रास्ते से शाही परिवार के लोग चढ़ते उतरते थे। ये सब उन्होंने हिंदुओं को अपमानित करने के लिए किया था। अधिवक्ता महेंद्र सिंह का कहना है कि लाल किले की उस मस्जिद की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जांच कराई जाए और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को देखते हुए उन विग्रहों को वहां से लाकर अपने मूल गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठित किया जाए। देखिए, आज हमने एक दावा दाखिल किया है और इसका मूल उद्देश्य यह है कि 1670 को जब औरंगजेब ने मंदिर का विध्वंस किया था यहाँ 1669 में, और 1670 में डीटी को विग्रह हैं जो भगवान के ठाकुर केशव देव जी को, उन्हें वो आगरा ले गया था और आगरा में ले जा करके उसने लाल किले में एक दीवानी खास के पास एक बेगम साहिबा की मस्जिद है, बेगम साहिबा की मस्जिद की सीढ़ियों में उनको लगा दिया था। उसका उद्देश्य था कि हिंदू लोगों को अपमानित करने के लिए, जिससे वो शाही खानदान के लोग उन सीढ़ियों से चढ़ते थे और उतरते थे। तो आज हमारा माननीय न्यायालय में यही कहकर के दावा दायर किया है कि उन विग्रहों को वहाँ से मंगाया जाए, वो करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, प्राण प्रतिष्ठा उनकी पुनः श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में कराई जाए। इसी को लेकर आज हमने दावा दाखिल किया है और अब इस पर 11 बजे सुनवाई हो। नहीं, हमने हमारा ये कहना है कि वहाँ उन लोगों को सबको चढ़ने उतरने से प्रतिबंधित किया जाए, क्योंकि हिंदू विग्रह हैं, हमारी आस्था का सवाल है। और दूसरा बात यह है कि हम ये कहना चाहते हैं कि वहाँ से विग्रहों को खुदाई करके सर्वे करा दिया जाए, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे स्थिति क्लियर हो जाएगी, सर्वे हो जाएगा स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो सर्वे करा करके वहाँ पर खुदाई डगिंग की जाए और डगिंग कीजिए, वहाँ से विग्रह को निकाल करके यहाँ पर लाया जाए।